आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। एक बार फिर से हम प्रभु का वचन आपके लिए लेकर आए हैं। ये प्रभु आपसे क्या बातचीत करना चाहता है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर अपने पवित्र कलाम और वचन के द्वारा हमसे बात करता है। चलिए ना ज़्यादा समय लेते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। भजन संहिता का 20 अध्याय का पहला और चौथा वचन हम पढ़ेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। देखिए परमेश्वर अपने पहले वचन में हमसे क्या कह रहा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, कि जब हम संकट में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, उसी वक्त परमेश्वर हमारी सुन ले। और जो याकूब का परमेश्वर है, याकूब जो एक दास था प्रभु का, वो प्रभु से बहुत ही प्रेम रखता था, प्रभु का अच्छा दास था, उसका नाम दिया गया है कि वो याकूब का परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने का मतलब है कि एक बड़े लेवल पे वहां पर हमें रखे प्रभु, वहां पर हमें उसी वक्त स्थिर करने का मतलब है, नियुक्त रखने का मतलब है। हम डगमगाए ना, गिरे ना, प्रभु हमें ऐसा स्थान देगा, एक ऐसा लेवल हमारे लिए तैयार करेगा प्रभु। चौथे वचन में देखते हैं क्या कह रहा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। देखिए परमेश्वर कह रहा है कि जो भी तेरे मन की इच्छा, चाहे छोटी बड़ी बहुत बड़ी कैसी भी इच्छा है, परमेश्वर तेरे हर एक मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तेरी कोई भी योजना है, कोई भी प्लानिंग है, किसी बिजनेस को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, या किसी भी विषय में लेकर आपकी कोई भी युक्ति है, कोई भी प्लानिंग है, उसको प्रभु सफल करेगा, उसको कंप्लीट करेगा। बिल्कुल आपकी हर एक प्लानिंग को पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह को कंप्लीट करेगा, क्योंकि प्रभु अपने वायदों का पक्का है। तो चलिए हम इस वचन के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि सचमुच प्रभु अगर तूने कहा है पिता परमेश्वर, तो हम इस वचन पर पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं प्रभु। इस वचन को पिता परमेश्वर हम यीशु के नाम में अपने जीवन में ग्रहण करते हैं प्रभु जी, और विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अगर तेरे वचन ने ऐसा कहा है प्रभु कि तुम्हारे संकट के दिन सुनता है प्रभु जी, और तुम्हारे लिए एक उच्च स्थान पर हमें नियुक्त करेगा, और प्रभु तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करेगा प्रभु, और तुम्हारी सारी प्लानिंगों को सफल करेगा, तो प्रभु हम विश्वास करते हैं इस वचन को यीशु के नाम से पिता, स्वर्गीय पिता के नाम से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम हो। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए, हम प्रभु के साथ बने रहते हुए प्रभु के वचन को लेकर अपनी जिंदगी में ग्रहण कर उसको प्रभु से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं महान जीवित परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी दया करुणा पिता परमेश्वर अपने बच्चों पर बनाए रखिए प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद इतने सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, कि आप अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों से बात करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी और विश्वास करते हैं प्रभु जी, और भी लोग प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कि सचमुच आपने अगर ऐसा कहा है पिता परमेश्वर, तो इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर आज इस उनके जीवन में काम हो प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा वचन ऐसा कहता है खुदा बंदी यीशु राजा जी, कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और तुझे एक ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे याकूब का परमेश्वर। सचमुच प्रभु आप याकूब के परमेश्वर प्रभु जी, हमारे परमेश्वर प्रभु जी, सचमुच वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप संकट के दिन प्रभु जी अपने दर्शकों की, पिता परमेश्वर जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन बच्चों के पिता परमेश्वर आप सुने प्रभु जी, उनकी मदद सहायता करें प्रभु जी, और प्रभु जी उनके लिए एक ऊंचे स्थान पर पिता परमेश्वर जैसे आपने अपने वचन के अनुसार किया उन्हें नियुक्त कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन ऐसा कहता है पिता परमेश्वर, 20 अध्याय पिता परमेश्वर चौथा वचन भजन संहिता का, कि वह तेरे मन की हर एक इच्छा को पूरी करे और तुझे तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। तो प्रभु जी इस वचन को पिता परमेश्वर मैं उनके
खुदा बनेश्वर उनकी जिंदगियों पर क्लेम करती हूँ प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी आप उनकी मदद सहायता करें प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी, और प्रभु जी उनकी हर एक युक्तियों को पिता परमेश्वर आप साथ रह के सफल करें प्रभु जी, उनको हर एक काम में विजय मिले पिता परमेश्वर, हर काम को उनके सफल बनाइए, चाहे वो पिता परमेश्वर घर परिवार का कोई भी फंक्शन हो पिता परमेश्वर, या कोई बिजनेस प्लानिंग हो प्रभु जी, या कोई भी काम हो पिता परमेश्वर के साथ खड़े होकर प्रभु जी उन काम को पूरा कराइए। यस पिता परमेश्वर यीशु के नाम में सारा वचन पिता परमेश्वर की देह प्राण मन आत्मा उनके हृदय की पट्टियों पर पिता परमेश्वर लिखने पाए प्रभु जी, और उनके जीवनों में काम हो इस वचन के द्वारा, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन पिता परमेश्वर सत्य है पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं विश्वास करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवनों में काम हो गया प्रभु जी, और आपने प्रभु जी सफल किया प्रभु जी। यस खुदावंद यीशु आप सचमुच महान है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर इस वचन को पिता परमेश्वर ने यीशु के नाम में ग्रहण करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आपने खुदावंद यीशु राजा जिस वचन के द्वारा उन सभी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवनों में काम किया प्रभु जी, उनको हर एक युक्ति को सफल किया प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमारे सबकी मदद सहायता करी, आपका धन्यवाद। अब सारी दुआ प्रार्थना उद्धारकर्ता के मीठे मुबारक पवित्र नाम में सारी महिमा अपने उद्धारकर्ता को देते हैं, आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप भी धन्यवाद परमेश्वर का कीजिए, क्योंकि सचमुच परमेश्वर बहुत महान है। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस वचन को आप पढ़िए डेली। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, भजन संहिता का 20 अध्याय का पहला और चौथा वचन, अगर आप इसको पूरा भी पढ़ते हैं तब भी प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। तो आप सचमुच इसको लगातार पढ़िए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता है प्रभु, तो इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में जरूर काम हो प्रभु जी, और हम इसे यीशु के नाम में विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। तो यकीन मानिए सचमुच प्रभु आपको आशीष देगा, और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम होंगे। आगे भी आप ऐसे ही, हम आपके लिए प्रभु का वचन लेकर आएंगे, प्रभु की आशीष आप पर हो, प्रभु की ब्लेसिंग्स आप पर हो। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।